नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एकेडमी ईयर 2021, जी हां दोस्तों, एडमिशन है PhD प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन से इनवाइट कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कुरुकुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से ये आपके लिए एडमिशन आए हैं PhD प्रोग्राम के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये निकाले हैं। टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, इसके फर्दर बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिसमें कुछ कुछ सीट्स हैं। टोटल इनकी सीट्स हैं 295, जिसमें 80 सीट्स हैं जो रेगुलर बेसिस की हैं, जिसमें आपको मिलेगा, जिसमें यू नो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और बाकी की जो सीट्स हैं वो पार्ट टाइम PhD के लिए हैं। तो PhD प्रोग्राम के लिए सीट्स आई हुई हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रही है इसमें कैंडिडेट्स को। पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी सीटें हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी PhD से रिलेटेड जो जानकारी है वो इस पूरी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स फॉर एकेडमी ईयर 2021-2022, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन वीया गूगल फॉर्म्स, दैट इज गूगल फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट, स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द सीट्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, तो इंडियन और फॉरेन नेशनल जो है उनके उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। ये है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए है ये, कौन से स्कूल में है, इंजीनियरिंग में, साइंस में, सोशल साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए। तो चलिए दोस्तों अब सीटें चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी सीटें। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में है कुछ सीटें, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 20 सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 16 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 42 सीट्स हैं, ECE में 51 सीट्स हैं, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अबाउट 30 सीट्स हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 14, फिजिक्स में 13, केमिस्ट्री में 18, मैथ में 13, ह्यूमन एंड सोशल साइंस में 3, SRWE में 15, VLSI में 22, MCA में 7, MBA में 3, और टोटल आपकी 295 सीट्स हैं, जिसमें 80 हैं स्कॉलरशिप बेस्ड और 215 हैं आपकी पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम करेंगे उनके लिए। ठीक है, उनके लिए भी एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, जिन्होंने CSIR, UGC नेट, GRF क्लियर किया हुआ है उनके लिए भी यू नो एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको जो स्कॉलरशिप होगी वो यूनिवर्सिटी नहीं देगी, इंस्टीट्यूट्स नहीं देगी, वो स्कॉलरशिप आपको थर्ड पार्टी ही देगी। ठीक है, जैसे कि UGC या CSIR। ओके, आगे अपडेट चेक करते हैं। आगे अपडेट क्या है, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं फिजिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, ये जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, द नंबर ऑफ CSIR, UGC, GRF और एनी अदर स्कॉलरशिप सीट्स स्पॉन्सर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू बी ऑफर्ड फील्ड विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट स्कूल्स एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर्स स्लॉट्स। ठीक है, तो जो CSIR, UGC नेट क्लियर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो तो थर्ड पार्टी ही देगी, एक्सटर्नल एजेंसी ही देगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो सीट्स होंगी वो डिसाइड करेगा सुपरवाइजर देखने के अलावा, और स्लॉट्स देखेंगे कि कितने स्लॉट्स बचे हैं, उस हिसाब से उनको सीट मिलेगी। उसके बाद कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एट NIT कुरुक्षेत्र में भी कंसिडर्ड फॉर PhD एडमिशन वाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ओनली, स्लॉट्स आर अवेलेबल विद द PI को PI एंड PI को PI इज एलिजिबल टू बी द सुपरवाइजर को सुपरवाइजर। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी प्रोजेक्ट में NIT कुरुक्षेत्र में PhD करना चाहते हैं वो अपने सेम डिपार्टमेंट में सीट ले सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग की, अगर सुपरवाइजर कहता है तो। ठीक है, उसके बाद एट नो स्टेज द इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट इन एनी केस हु हैज बीन एडमिटेड अंडर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट और अदर एनी स्पॉन्सर्ड स्कीम, सच स्कॉलर्स विल बी बाउंड टू फॉलो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसी। ठीक है, तो जो कोई भी कैंडिडेट इस ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है ऑलरेडी कुरुक्षेत्र से, उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, ओनली गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप सीट्स। ठीक है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट या नेट क्वालिफाई किया हुआ है वो फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो OBC, NCL, EWS सर्टिफिकेट जो है आपका, जिन्होंने बनाया हुआ है वो 1 अप्रैल 2021 को बना होना चाहिए, इसके बाद ही बना होना चाहिए या फिर अपडेट हुआ होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आपको जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके। वहाँ से आपको जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे या वहाँ से आप प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसे आप चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ठीक है। नाउ बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22 ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द PhD ऑर्डिनेंस 2021-22 अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट केयरफुली फॉर एलिजिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वही बात, जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए जो PhD ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद इफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट और एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड मिसलीडिंग फॉल्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग और आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस दैट कैंडिडेट्स कैंडिडेचर एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड द एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जिसकी जो इन एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट पाई जाती है या फिर डेटा उसने दिया है वो मिसलीडिंग है या फॉल्स है तो फिर उसका कैंडिडेट जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको फीस जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद काइंडली विजिट द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट अंडर एडमिशन PhD टैब एंड सबमिट द PhD एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर एक्सपायरी ऑफ द गूगल लिंक December 14, 2021 अप टू 5:30 PM। तो लास्ट डेट आपकी December 14, 2021 है शाम 5:30 बजे तक। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कहाँ पे सबमिट करनी है, वेबसाइट पे जाना है जो आपको दी हुई है nitkkr.ac.in, उसके एडमिशन 2021 पे क्लिक करना है, देन PhD पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको अपना जो गूगल लिंक दिया है वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भर के वहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है हमारे पास। इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।